बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की घोषणा, मगर परीक्षा देने का भी विकल्प होगा। मसूरी में खाद्य आपूर्ति विभाग का सघन चेकिंग अभियान, राशन की गुणवत्ता परख रही है टीम। यूपी के मसूरी में राशन में मिलने वाले अनाजों की गुणवत्ता के लिए आपूर्ति विभाग सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर कसा तंज। योगी सरकार में फेरबदल की अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर वार करते हुए कहा है कि दिल्ली व लखनऊ के बीच फंस गए दूत, इधर एक को मनाते हैं तो दूजे जाते हैं रूट। हाल ही में अलीगढ़ में जहरीली शराब से कई लोगों ने गंवाई अपनी जान, जिसके बाद शुरू हुई कार्रवाई और शराब माफियों की कमर तोड़ कर रख दी। देखिए कैसे उस दुकान को जमींदोज कर दिया गया जहां से मौत बांटी जा रही थी। यूपी के गोंडा टिकरी में देर रात को हुए एक धमाके में एक ही परिवार के 8 लोगों की गई जान। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। टिकरी गांव के बिलखती आवाजें जब लखनऊ पहुंची तो पीड़ित परिवार को इलाज से लेकर आर्थिक सहयोग तक का आदेश जारी किया गया। नोएडा में छोटे बच्चों का नियमित टीकाकरण शुरू। सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों की भीड़ देखने को मिली। कोरोना की दूसरी लहर के चलते टीकाकरण कार्यक्रम बंद हो गया था, जो अब फिर से शुरू किया गया।